हेलो दोस्तों, वेलकम टू धौलाधार अपडेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि जारी की गई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। तो ये कौन से पोस्ट कोड की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, तो पूरी जानकारी जो है आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो वीडियो पर एंड तक बन रहे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी टाइम टू टाइम हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। 15 अक्टूबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो नोटिस फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर पंचायत की जो पोस्ट भरी जानी थी, पोस्ट कोड 760। तो इसका जो रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो 25 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में करवाया जा रहा है। तो इसमें इन्हों जो नोटिफिकेशन जारी की है इसमें बता रखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रिस्क्राइब्ड इन R&P रूल के तहत जो ये पोस्ट निकाली गई है। तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है R&P रूल के तहत, तो वो आपकी शुड सेकंड क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और एज जो है आपकी 1/1/2019 जो 1 जनवरी 2019 तक जो है आपकी 18 या 45 से आगे एज नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 45 एज जो है इन्होंने रखी थी फॉर्म भरने के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो निकाली गई है ये 19 को निकाली गई है, आप देखते हैं। तो इसमें जो एज की जो रिलैक्सेशन दी जाएगी वो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी कैंडिडेट्स जो SC ST और OBC कैंडिडेट्स हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो ये इन्होंने नीचे पैराग्राफ लिख रखा है तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि अगर जिन कैंडिडेट्स में ने भी जो ये फॉर्म भरे थे 760 पोस्ट कोड ऑडिटर पंचायत के, तो उनका जो एडमिट कार्ड है या रो नंबर तो वो उनकी फेवर में जनरेट हो चुका है, सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो 25 अक्टूबर 2020 को जो है इसका एग्जाम मॉर्निंग सेशन में लिया जा रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट्स की जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एज है वो फुलफिल नहीं करते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप जो है इस एग्जाम में अपियर ना हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नीचे बता रखा है ये। तो सच कैंडिडेट्स नीड नॉट अपियर इन द नीट टेस्ट जो रिटन टेस्ट फेलिंग विच होल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई अपॉन हिम हर एंड जो कैंडिडेटचर फिल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। जो रिटन एग्जाम अगर आप दे भी देते हो उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, ऑडिटर पंचायत की जो पोस्ट है भरी जानी थी, पोस्ट कोड 760। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी तो आपको बताना जरूरी था, तो आप तक पहुंचा दी है मैंने पूरी नोटिफिकेशन। तो अगर आपके किसी दोस्त को भी इस नोटिफिकेशन की जरूरत है, उसने भी फॉर्म भरा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।